हो गया ना पूरा बोटा रहा है. फाइंड द लिखो फाइंड द चलो इसमें ही पावर एक्स वाला कुछ पूछा था बाय सेक्शन में, इसमें वही वाला क्वेश्चन कराएंगे ठीक है ना. इंटरवल दे देता तब क्या देगा तब दिखते नहीं है वही ठीक है ना. आज वो ही बता देंगे क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन क्वेश्चन में जाकर के आगे बनाना है एक्स इंटू पावर एक्स बराबर कॉस एक्स हुआ बाय रेगुला फॉल्सी मेथड. तब किसका नाम है रेगुला फॉल्सी मेथड. कहीं भी आप फॉल्सी लिख देते कभी और फॉल्सी ऐसा ही होता है फॉल्सी लिखा हुआ लिखा जाता है. करेक्ट अप टू फोर डेसिमल. अब ध्यान नहीं रहा था छूट जाता उम्र बीत गया है ना कितना पढ़ाएंगे. चलो अब हाँ सॉल्यूशन लेट एफ एक्स बराबर क्या हो गया ना इसको एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर जीरो. इसको इधर लाएंगे जीरो होगा ना इसका एफ एक्स फंक्शन मेरा ये सवाल है ठीक है ना. एक्स एक पावर एक्स बराबर कॉस एक्स इसका क्या करना है रूट निकालना है क्या डेसिमल तक फोर डेसिमल तक अप टू फोर डेसिमल दशमलव चार डिजिट तक मिलना चाहिए. मतलब क्या हुआ दशमलव बाद तक चार डिजिट तक अंक मिलना चाहिए किसी को का तब रुकेंगे वहां पर. कौन मेथड से रेगुला फॉल्सी से बनाना है यानी कि इसमें फॉल्स चलो वर्किंग वही बात जीरो रखेंगे क्या रखेंगे जीरो रखो देखो क्या जाएगा सब जीरो बन जाएगा कॉस जीरो वन नहीं माइनस वन होगा लेस देन जीरो. उसके बाद चलो उसके बाद वन रखेंगे तो वन इंटू ई के पावर वन माइनस कॉस क्या होगा वन होगा क्या का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो कहेंगे किधर गया ये है 2.7 आंसर होगा. मेरे पास निकाला हुआ है सर एक बार निकाल दिखा देते हैं एक पावर वाला कैसे निकलता है जिसको दिक्कत यही होगा 2.7 हम बता रहे हैं ई का मान निकलेगा तुमको यहाँ से ई का मान ई का वैल्यू कहीं से निकालते थे लिखा देख रहे हैं का मान. हाँ देखो शिफ्ट ओके करना शिफ्ट है ना शिफ्ट दावे है यहाँ देखो एल एन जो लॉक के बगल में यहाँ ई लिखा हुआ इसको ओके करेंगे ई पे पावर समथिंग लिखा गया है ना यहाँ भुक 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 कर एक दाब दो बगल ला लो इसको स्लाइड करके ला लिए ना अब माइनस क्या है कॉस वन जो रहेगा वो दे रहे हैं लोग क्या है गया एक दशमलव क्या है देखो एक दशमलव कितना निकला है समझ में गया इतना नहीं आएगा अरे 2.179 आएगा ये वन जो है ना इसको डिग्री में भरना पड़ेगा एक डिग्री अच्छा उतने आएगा इसमें गलती लिखा होगा ठीक है तो ये पॉजिटिव आएगा ठीक है ना ये जाएगा ना 1.71843 ये क्या आया है पॉजिटिव आ गया है यानी कि रूट जो लाया करेगा ना इसी के बीच में लाया करेगा 0-1 के बीच में. लेकिन हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा उसके करीब जाकर कम नजदीक जाकर उसके नजदीक जाकर कम करेंगे. अब हमको पता है जीरो है एक है दोनों के बीच में होगा. अब देखो 0.1 धरो टू धरो थ्री धरो फोर धरो 0.1 धरेगा ठीक है ना तो ये जो आएगा तुमको निगेटिव ही आएगा 0.2 धरो ये भी निगेटिव आएगा
हमारा करा हुआ है इसलिए हम लिख रहे हैं, तुम करके देखेगा तब पता चलेगा मनीष निगेटिव है निगेटिव है। यहाँ हम किए हैं निगेटिव आया है इसलिए हम लिख रहे हैं। हाँ करने के बाद निगेटिव आएगा समझ में आया, ये भी निगेटिव आएगा, ये भी क्या होगा निगेटिव आएगा। जब 0.5 रखेगा तो भी निगेटिव आएगा, उसका वैल्यू बता देते हैं 0.5 इंटू ई के पावर 0.5 माइनस कॉस 0.5। कहाँ देखो इसी के अंदर देखो इसका एगो करके दिखा दिए ना 0.5 गुना ई के पावर 0 अभी केत नहीं देखा माइनस कॉस 0.5 ये निगेटिव में देगा, ये निगेटिव वैल्यू आएगा, ये आएगा माइनस 0.05322। थोड़ा सा हल्ला आसान के रखो ना, हल्ला बहुत तुम लोग करते हो। आप 0.6 रखेंगे यानी कि 0.6 ई के पावर 0.6 माइनस कॉस 0.6 ठीक है ना, फिर 0.6 मल्टीप्लाई बाय ई के डायरेक्ट जाकर गुना भाग सकते हो ना, नहीं होगा तो आकर पूछ लेना। कॉस 0.6 ई स्थिति है, थर्ड सेम में चला गया है, गुना भाग में दिक्कत है 0.0933। ये क्या हुआ है ये देखो, ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके बहुत करीब रूट हम लोग आ चुके हैं ना। हम लोग इसको मान लेंगे ए, इसको भी, यानी कि जहाँ पर एक्स नोट माने थे ना तुम लोग की सुधार के, इसको हम ए मान रहे हैं, उसे कब रंग पड़ेगा, और जहाँ पर एक्स वन के दोस्तों क्या मान लेना, बी मान लेना बाद में की सबसे हम ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से, हम लोग यहाँ सब बात निकला हुआ है, चूजिंग ए बराबर क्या मान लिए हम लोग, ए बराबर 0.5 एंड बी बराबर 0.6 हम लोग क्या किए चूज कर लिए। ऐसा हो जाएगा तो इन दोनों का करस्पॉन्डिंग क्या करो, वैल्यू भी लिख दो, एफ ए, एफ ए यानी कि एफ 0.5 इसका मूल क्या निकला है माइनस 0.053221। हाँ इसका मिला क्या ये है, इसका कहाँ मिला हा? क्या नहीं मिला इसका, नहीं समझे, क्या ये निगेटिव साइन आया, इसका के पॉजिटिव आया है ना, देखो एक का निगेटिव पॉजिटिव, जब यह टेंशन मिलेगा तब मिल तो नहीं रहा था, लेकिन करते बहुत अधिक करना पड़ता है। जैसे कल हम लोग जैसे बनाए थे 7-8 में मिल गया था, एक बार तो एक और दो लेकर चलना देखना क्या, 10 करोड़ से जाएगा तब यह संभावना है, वैसे संभावना नहीं है, कर सकते हो वो भी थोड़ा और थोड़ा लंबी हो जाएगा, इसीलिए उससे 4-5 स्टेशन कर देते हैं, समझ में आया, 5-6 स्टेशन नहीं करेगा पहले कैसे करेगा, समझ में आया, वो भी गलत नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना बहुत लोग इतना भी नहीं करता, वो मिलेगा तब ही चल जाता छोड़ देगा, पूरा सॉल्व नहीं करता, कितना टीचर ही देखे सॉल्व नहीं क्या, ऐसे ऐसे करना मिलेगा ना तो वहाँ होता है हाँ, करेंगे करने के लिए ना, कौन करते तीन स्टेप तक, तीन डेसिमल प्लेसेस तक, ब्रावो का तीन स्टेप तक, वो तो एग्जाम में कहा जाएगा अलग बात है ना, लेकिन जो रूल है यहाँ पर कहता है तब तक करो जब तक कि किसी दो का सेम न मिले, वो तो काम करने जैसे छोड़ देता है लोग, कह रहा हो गया अपने से ऐसे ऐसे कर लेना, यहाँ पूरा कर रहे हैं ठीक है ना। चलो ठीक है, एग्जाम में जो कहेगा सो सर काम करना, यदि ऐसा लिखा रहेगा फिर डिसम्पल फोर डिसम्पल पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं करना मिलाना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसको रखे हम लोग, ये डाटा आएगा 0.0933 आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, फर्स्ट अप्रोक्स दिखा दो हम सबको, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय कौन मेथड से, रेगुला फॉल्सी मेथड गया, उसको थोड़ा सिला दो, हाँ रेगुला फॉल्सी गेट खोलो तो गेट का पूरा आराम से हवादार आएगा। एक्स वन बराबर ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, बोला है यहाँ एक्स नोट था, एक्स वन था, यहाँ एक्स वन था, एक्स नोट था, बस हो गया।
हाँ अब क्या करना है, x1 बराबर यहाँ पर दादा a का मान देखो यहाँ से क्या लाए हैं 0.5 गुना fb का मान देखो क्या है 0.0933 माइनस b का मान 0.6 गुना fa का मान माइनस में माइनस 0.053221 अपॉन ठीक है ना fb तो वही वाला 0.0933 माइनस एफ ए तो माइनस में जीरो पाला बार है ना थोड़ा सा इधर से लिख रहे हैं 0.53221 और सॉल्विंग दिस इक्वेशन अभी गेट 0.516571 इसको सॉल्व करने का ये आएगा यहाँ पे देख करो पहले जब नवा करेंगे ना लास्ट यही आता है अपना करके देखते रहना अब दिखा दे रहा हूं उसमें हाँ लिखो अब जो भूलन भटका ला फिर से पढ़ेगा एक बार 0.5 मिला ये चीज लिखो कौन है महादेव का परम यहाँ तक किसी को कुछ पूछना भी है सर आए आप फार्मूला तो दिक्कत नहीं आएगा ए बी ए बी बी ए बी माइनस ए जो यहाँ वही यहाँ देखो जो यहाँ वही यहाँ यहाँ ए गुना कर देना बी गुना कर देना बात खत्म है चलो मोबाइल वहां में होबे करेगा वैसे हाँ वही दिक्कत इसीलिए ऐसा होता है लिखने के लिए भी करना अभी सर ये ऊपरी में कॉस गुना कर रहा है ठीक है हाँ सही है आंसर मिल गया ठीक है हो गया अब नया रहा है तो हम उसको क्या करें पगला गया है मोबाइल उसको रांची भेजो अब इलाज करवाने लिखा दे प्रीतम लिख लिया अभी तक लिखिए रहे हो इसके बाद न्यूटन का फोन का थ्योरी पड़ेगा ये सवाल बनाया खाली सीधा सवाल बनाया अब की बार मल्दी का वो मत में अच्छा अपना जब कर दिए थोड़ा सा वो कम में है हाँ उसका कम में है एक बोर्ड में भर देंगे एक और छठ के बाद मिलना छठ के बाद चलेगा वहीं पर आ देंगे पटना में अच्छा नहीं छठ के बाद हम एक दिन आज इंसान का बरकारा है ना कल निकल जाएंगे कल पटने में है मतलब आज बरकारा का आगे निकलेंगे एक मिनट भी लेट नहीं करना है कोई विलम्ब नहीं ऐसे पावन किया जिंदगी भर आएगा हाँ खींच रहा है वहाँ से 3-20 है इसीलिए हम लोग का सब कोचिंग का अपना 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 कौन कोचिंग बात कर रहे हो अपना वो तो सब जगह रेट अलग अलग है ना हो गया ना तब तक ना है वो थोड़े है वो सारी जनरेट कमीशन होता है ग्रुप जी एनटीपीसी में हाँ बेटर देन जीरो है बस अपना तुम जानो सात महीना होता है 22-23 पेपर है 7 महीना में सब कंप्लीट करेगा 15 दिन में एक पेपर हाँ तो तब की कोनो लिखाता खाता है जैसे तुमको दिए किताब बना लो उसका बुकलेट पहले से 20,000 फी लेगा बुकलेट लेके बैठ देगा तुमको वो 20,000-25,000 लेगा तो लिखल रहता है वो लिख ले आज उसके पास रेडीमेड कॉपी तैयार है जिसका पेमेंट हाँ पढ़िए उसको सब रहता है बीटेक के अंत को रहता है एस एस सी तुमको इंडिया का सबसे यही लेवल के ऊपर वाला जॉब है ना एकदम पूरा रहे इसी जो है एसएससी में तो रहेगा कुछ पोस्ट के लिए है कुछ पोस्ट के लिए लेकिन ज्यादा है डिप्लोमा सिविल के लिए ही यदि टेक्निकल में कहीं निकलता है ना तो सिविल का सर्विस ही रहेगा निफिक्र रहना
तब तक तुम्हें नौकरी कर लेगा, तुम लोग का बाल बच्चा सोचेगा अपना, और तुम लोग का जब हो जाएगा तो कोनो सीट में घुसाइए देगा उसको भी। ये टेंशन नहीं लो, हम क्या ही करो, अभी पहुंच बन जाएगा ना, सब दोस्त इंजीनियर रहेगा। कोई नेटो गिरी हुए फलना लगा, ठीक है लगा देंगे, चलो देश देव की जिंदगी को नेता बन गए। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन ऊपर में क्या था ना, ऊपर में बोर्ड दिखाई दे रहा है, दे रहा है ऊपर वाला ही लक्ष्य नहीं दिखा दे रहा है, तो बोलेगा ना यहाँ भी दिखा देता है, ये दिखा देता है यहाँ, और तो क्वेश्चन तो दिखा दे दिया होगा, दिखा दिया और दिखा, ये दिखा दे रहा है, दिखा दे रहा है लेकिन 720 पे लिखा छुपा। अच्छा थोड़े में हाँ भावना समझेगा, लेट एफ एक्स बराबर एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, यही था मेरा फंक्शन। अब देखो यहाँ तक हम आ चुके हैं, इसका क्या करेंगे, साइन एग्जामिन करेंगे, एफ एक्स वन निकालेंगे हम लोग, इसको इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एफ एक्स वन निकालेंगे, फंक्शन दे रहा है, बुझ गया फंक्शन भरेंगे तो निकलेगा, चलो हाँ उतना अपना नहीं कर सकता, कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, देखो लो माता कर कथी ले, देखो ये फैक्स वन निकालना है, ठीक है ना, नहीं उसको फंक्शन में पुट करना है, यहाँ धरो क्या है वैल्यू मेरा 0.516571 इनटू ई के पावर 0.516571 गुना भाग है सिर्फ ये, ठीक है ना, 0.516571 इस सब करने के बाद, ठीक है ना, ये आएगा माइनस 0.003605 लेस देन जीरो, समझ में आया, नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा तो ए वाला क्या था नेगेटिव, बी वाला क्या था उसके बीच का डाटा है, और उस किसके लगा बीच में गिरेगा, उसके बीच है बी के बीच, इसमें सर है नेगेटिव, नेगेटिव लिया यहाँ पे ई भी लेंगे, हाँ उसमें तो इसका यूज नहीं था, नहीं था यूज, सिर्फ ए बी का यूज था, इसीलिए जो आएगा तो लेंगे हम लोग ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस एफ एक्स वन जो है ना वो क्या है लेस देन निगेटिव है, सो चूजिंग, सो चूजिंग ए बराबर तब क्या हो जाएगा बोलो, हाँ ए बराबर हो जाएगा ये डाटा 0.516571 एंड बी बराबर क्या हो जाएगा, बी वाला का ये मान है 0.6, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे, इसका दोनों का वैल्यू ये तो पता ही है, यानी कि एफ 0.516571 इसका वैल्यू क्या निकला है, यही निकला है माइनस 0.0, यहाँ समझे फिर काला नहीं समझ में आया है तब झेल बजाना था, एफ 0.6 इसका कितना निकला था वैल्यू है, एफ 0.6 का यही है 0.0933, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेकेंड अप्रोक्स गुना भाग क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी हो रहा है नहीं तो और लेट लगता बनाने में, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकाल, यानी कि x2 निकालना है, फॉर्मूला वही वाला a f b b f a बटे एफ बी माइनस उधर वाला हो गया है, डाटा सब का वहां रखेंगे हम लोग, अब ठीक है ना, डाटा को पुट करना है वो बड़ा नहीं, हाँ चलो पुट करो, तो एक्स टू बराबर क्या हो रहा है यहाँ से, क्या क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कहीं, ए ए का मान क्या है, ए का मान 0.516571 अगुना एफ बी का मान दे लो 0.0933 माइनस
F, B, B, B का मान 0.6 गुना FA का मान है या माइनस 0.003065 ठीक है ना अपॉन हो गया ना लिख लेना अपना उस अनुसार से यहाँ तक लिखे माइनस 3 है मैंने कहा प्लस हो जाएगा 0.6 FB का मान 0.6 तो 0.6 माइनस 0.933 माइनस 0.003605 इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये निकलेगा ना वो देगा x2 बराबर देगा 0.517678 फिर क्या करेंगे हम लोग नौ सत्रह कौन है